वन वेलकम बैक टू माई चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर ये डी यू का एम एस सी फिजिक्स का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का उसका सोल्यूशन मैं डालने जा रही हूँ एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और प्लस जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिले थे उनको मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है तो क्वेश्चन क्या हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटिकल इंटिकल कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है जीरो टू टू पाई कोस ऑफ एक्स डेल्टा ऑफ एक्सकेर माइनस पाई स्केर यानी ये ड्राक डेल्टा फंक्शन है और आई है माइनस वन बाई टू पाई आई है माइनस वन बाई पाई आई है वन बाई पाई आई है वन बाई टू पाई तो इंटीग्रल को मैं सोल्व करती हूँ आई इज इक्वल टू जीरो टू टू पाई कोस एक्स डेल्टा ऑफ एक्स स्केयर माइनस पाई स्केर डी एक्स डेल्टा ऑफ एक्स केयर माइनस पाई स्केयर ये डिराक्ट डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है डेल्टा ऑफ एक्स स्केर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू वन बाई टू पाई डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा ऑफ एक्स प्लस ए तो यहाँ पे ए का काम कौन रहा है पाई क्या बन गया वन बाई टू पाई डेल्टा ऑफ एक्स माइनस पाई प्लस डेल्टा ऑफ एक्स प्लस पाई तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई जीरो टू टू पाई कोस ऑफ एक्स इसको आपने ओपन किया डेल्टा ऑफ एक्स माइनस पाई प्लस डेल्टा ऑफ एक्स प्लस पाई इंटू डी एक्स दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन इंटीग्रेशन ये फिर से प्रॉपर्टी होती है डार्क डेल्टा फंक्शन की एफ ऑफ एक्स डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ई दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए तो यहाँ से आपकी सेकेंड इक्वेशन का से सोल्व कीजिए वन बाई टू पाई ये कोस ऑफ एक्स इन डेल्टा ऑफ एक्स माइनस पाई दैट इज इक्वल टू यहाँ से एफ एक्स क्या है कोस एक्स है ए क्या है पाई यानी एफ एट ए यानी कोस ऑफ पाई प्लस यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है माइनस पाई तो यहाँ पे कोस ऑफ माइनस पाई अब कोस पाई भी माइनस वन होता है कोस ऑफ माइनस पाई भी माइनस वन होता है यानी माइनस टू बाई टू पाई दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर पाई तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आ रहा है सेकेंड ऑप्शन लेकिन शायद की में आपका माइनस वन बाई टू पाई मैंशन था तो पता नहीं आप लोगों ने इसको चैलेंज किया है या नहीं ही? कल मेरे पास थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल था तो मैं इस सोल्यूशन को नहीं डाल पाई अब आप इसको चेक कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लानट इज रोटेटिंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर प्लानट जो है जिसका रेडियस आर है वो सर्कुलर ऑर्बिट में जो है रोटेट कर रहा है किसी स्टार के अराउंड पोटेंशियल कौन सा काम कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या है जब वो आर डिस्टेंस पे है स्टार से हाफ के आरस के वेर की क्या है पॉजिटिव रियल कॉन्स्टेंट टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज टी इज इक्वल टू टू पाई स्केयर रूट ऑफ एम बाई के टी इज इक्वल टू टू पाई इंटू स्केयर रूट ऑफ एम बाई टू के टी इज इक्वल टू टू पाई इंटू स्के रूट ऑफ एम बाई थ्री के टी इज इक्वल टू पाई इंटू स्केय रूट ऑफ एम बाई के देखिए वी आर क्या गिवन है हाफ के आर स्केयर वी डेस आर क्या हो जाएगा के आर वी डबल डेस क्या हो जाएगा के आ जाएगा यहाँ से अब उमेगा क्या होता है स्केयर रूट ऑफ वी डबल बाई एम उमेगा की वैल्यू आ गई के बाई एम टाइम पीरियड क्या होता है सर्कुलर मोशन टू पाई बाई उमेगा होता है टू पाई डिवाइडेड बाई उमेगा दैट इज के रूट ऑफ के बाई एम और यू कैन सी टू पाई इन टू स्के रूट ऑफ एम बाई के ये डायरेक्ट फॉमुला भी होता है सर्कुलर ऑर्बिट के लिए टाइम पीरियड क्या होता है जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में आपका प्लेनेट रोटेट कर रहा हो टाइम पीरियड आपके पास यही फॉर्मूला रहेगा डायरेक्ट भी है और ऐसे मैंने सोल्व कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था वैसे पेपर बड़ा अच्छा आया हुआ था जैसे आपका बार का एग्जाम आता है ना कुछ कुछ वैसे पैटर्न पे बेस्ड है या स्टेबल इक्विब्रियम अनस्टेबल इक्विबरियम बिल्कुल नेट में भी ये क्वेश्चन आता है पार्टिकल है जिस पर फोर्स काम करी है कर वेयर है एंड लेमडा आर पॉजिटिव एंड रियल कॉन्स्टेंट्स द पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विबियम आर आपको वो पॉइंट बताना है जिस पर आपका जो है पार्टिकल स्टेबल इक्विब्रियम में आए एक्स इक्वल टू जीरो टू प्लस माइनस के रूट ऑफ के बाई लेमडा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट रूटो के बाय लेमडा एक्स इक्वल टू जीरो और यू कैन से एक्स इक्वल टू जीरो को माइक्स इक्वल टू प्लस माइनस के रूट उठो टू के बाई लेमडा कैसे सोल्व करेंगे कैसे आप पता करेंगे कि आपका पार्टिकल स्टेबल इक्वीरियम में है वी एक्स आपके पास क्या गेवन है के एक्स केयर बाई टू माइनस लैमडा इंटू एक्स एज टू पावर फोर बाई फोर सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स के में वी डैस एक्स बोलते हैं जिसको डी वी बाई डी एक्स यानी आप इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स के बाई टू एज इट इज एक्स केर का डेरिवेटिव है टू एक्स माइनस लेमडा बाई फोर एक्स फोर का डेरिवेटिव है फोर एक्स क्यूब टू से टू कैंसिल आउट फोर से फोर कैंसिल आउट दैट इज इक्वल टू सो दैट इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस लैमडा एक्स क्यूब दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन अब यहाँ से आपको निकालना है टू फाइंड आउट हेयर पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विब्रियम आर पहले तो आप वो पॉइंट्स निकालिए जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी है आपकी स्टेबल की है या अनस्टेबल की क्या करोगे वी डेस एक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वल टू जीरो यानी के एक्स माइनस लेमडा एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो यहाँ से एक्स कॉमन निकालिए के माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू जीरो दर एक्स इक्वल टू जीरो और के माइनस लेमडा एक्स केर इक्वल टू जीरो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है एक्स केयर इज इक्वल टू के बाय लेमडा और यू कैन से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के बाय लेमडा लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट बताना है जिस पर आपका स्टेबल इक्वेबियम है आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं एक्स इक्ल टू जीरो पर हो सकता है और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के रूट ऑफ के बाय लेमडा कैसे पता करेंगे स्टेबिलिटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए डबल ऑर्डर मस्ट बी ग्रेटर जीरो तो यहाँ पे मैंने पहले तो मैं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने जा रही हूँ यहाँ से क्या आया हुआ है इसका डेरिवेटिव फिर से लें k माइनस थ्री लेमडा एक्स के तो आपके पास डबल ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया k माइनस थ्री लेमडा एक्स के अब x इक्ल टू जीरो पर आपका क्या आ रहा है क्या आ रहा है के माइनस जीरो यानी के दैट इज़ ग्रेटर देन जीरो क्योंकि आपको गिवन है के आपका क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी अब आप अपना निकालिए एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के बाई टू वी बाई डी एक्स के ये वैल्यू है इसमें आप रखिए के माइनस थ्री लेमडा इंटू के बाई लेमडा लेमडा से लेमडा कैंसल आउट दैट इज इक्वल टू माइनस के विच इज़ लेस देन जीरो क्योंकि नेगेटिव आ रहा है और आपके पास क्या होना चाहिए था स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए सॉरी so, ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है ये मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था तो स्टेबिलिटी के लिए आपका क्या होना चाहिए एक्स इक्वल टू जीरो पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो यानी डी टू वी वाई डी एक्स केयर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो यानी एक्स इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्लेवरिया ये कौन सा आंसर हो गया आपके पास एक्स इक्वल टू जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए ये आपका जो एट्थ क्वेश्चन ये ट्वेल्थ लेवल का है अगर आपने ध्यान से देखा होगा पार्टिकल है जिसका मास एम वन है वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्स विलोस्ट यू वन सेकेंड वाला पार्टिकल क्या है रेस्ट पर है द टू पार्टिकल्स अंडर गो इलास्टिक कोलिजन यानी उनका कोलिजन हो रहा है कोलिजन कौन सा हो रहा है इलास्टिक कोलिजन एंड स्टार्ट मूविंग विदोस्टी वी वन एंड वी टू और वी वन और वी टू में रिलेशन है वी वन इज इक्वल टू वन बाई फोर्थ ऑफ वी टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एम वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम टू एम इज इक्वल टू टू एम टू एम वन इज इक्वल टू एम टू बाई फोर और एम वन इज इक्वल टू फोर एम टू दो पार्टिकल्स हैं फर्स्ट पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है u1 विलोस्टी से सेकेंड रेस्ट पे है अब कोलिजन के बाद क्या सिचुएशन हो रही है एम वन मूव करने लगा वी वन से एम टू मूव करने लग गया वी टू से जैसे कि आपको गिवन है कि आपका कोलिजन है वो इलास्टिक है तो मोमेंटम क्या रहना चाहिए कंजर्व रहना चाहिए एम वन इंटू यू वन प्लस एम टू इंटू सेकेंड की लोस्टी थी जीरो दैट इज इक्वल टू एम वन इंटू वी वन प्लस एम टू इंटू वी टू यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एम वन इंटू यू वन दैट इज इक्वल टू एम वन वी वन क्या था वी टू बाई फोर प्लस एम टू इंटू वी टू यहाँ से क्या आ गया एम वन इंटू यू वन दैट इज इक्वल टू वी टू कोमन एम वन बाई फोर प्लस एम टू दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन इलास्टिक कोजलिजन में आपको पता है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है वन ये क्या होता है वी टू माइनस वी वन जो कि विलोस्टीज हैं आपकी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाईस्टी बिफोर कोलिजन यू वन माइनस जीरो जीरो आपकी सेकेंड मास की थी दैट इज इक्वल टू वन और यू कैन से वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू यू वन यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है v2 टू माइनस वी की वैल्यू रखिए v2 टू बाई फोर दैट इज इक्वल टू थ्री वी टू बाई फोर इज इक्वल टू यू अब आप इसको फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कीजिए और m1 और m2 की रेशियो निकालिए एम वन इं यू वन की वैल्यू आपके पास है थ्री वी टू बाई फोर दैट इज इक्वल टू वी टू इन टू एम वन फोर प्लस एम टू यहाँ से वी टू से वी टू आउट क्या रहा है थ्री एम वन बाई फोर दैट इज इक्वल टू एम वन m2 फोर प्लस एम टू ये इधर लेफ्ट साइड में कलेक्ट करें थ्री बाई फोर एम वन माइनस एम वन वाई फोर दैट इज इक्वल टू एम टू और यू कैन से एम वन इज इक्वल टू एम वन बाई टू इज इक्वल टू एम टू यहाँ से क्या रिलेशन आ रही m1 एम वन इज इक्वल टू टवाइस ऑफ एम टू तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन ये है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वैसे पेपर बड़ा वैसा आया हुआ है आपने देखा होगा नेट के लेवल के भी क्वेश्चन आए हुए हैं वैसे एमएससी फिजिक्स का डीयू का एंट्रेंस एग्जाम है इसका स्टैंडर्ड कभी से ऐसा ही होता है जब मैंने भी एग्जाम दिया था तो अच्छे लेवल का ही था डिफाइन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एफ डैगर प्लस एफ सिग्मा वाई है माइनस आई टाइम टू एफ डैगर माइनस एफ वेयर सिग्माज आर पोलिस बिन मेट्रिस एंड एफ एफ डैगर ओबे एंटी commutation रिलेशन यानी एंटी कम्यूटेशन रिलेशन क्या एफ की एफ के साथ जीरो के साथ क्या है वन यानी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज होने वाली है देन सिग्मा जेड इज गिवन वाई एफ डैगर एफ माइनस वन टाइस ऑफ एफ डैगर एफ माइनस वन एफ डैगर एफ प्लस वन एफ डैगर एफ देखिए सिगमा एक्स किसके इक्वल है एफ डैगर प्लस एफ सिग्मा वाई है माइनस आयोटा एफ डैगर माइनस एफ हमें पता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की कम्यूटेशन रिलेशन क्या होती है ट्वाइस ऑफ आयोटा सिग्मा जैड ये फॉर्मूला होता है वेरी इंपॉर्टेंट अब एफ एक्स सॉरी सिग्मा एक्स की वैल्यू रखिए एफ डैगर प्लस एफ कोमा माइनस आयोटा इंटू एफ डैगर तो माइनस एफ दैट इज इक्वल टू तो ट्वाइस ऑफ आयोटा इंटू सिग्मा जेड माइनस आइटा यहाँ से बाहर निकाल लीजिए एफ डैगर प्लस एफ कोमा एफ डैगर माइनस एफ दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आयोटा इंटू सिग्मा जेड ये क्या है ए बी की कम्यूटेशन रिलेशन क्या होती है ए बी माइनस बी ए माइनस वन आइटा से आयोटा आपका कैंसिल आउट हो रहा है आप देख पा रहे हो ए बी यानी एफ डैगर प्लस एफ इंटू एफ डैगर माइनस एफ माइनस बी एफ डैगर माइनस एफ इंटू एफ डैगर प्लस एफ दैट इज इक्वल टू ट्वाइस टॉइस जेट माइनस वन ये क्या आ गया एफ डैगर स्केयर प्लस एफ डैगर प्लस क्या आ रहा है एफ एफ डैगर माइनस एफ डैगर एफ माइनस एफ स्केयर ये वाली ब्रैकेट माइनस इसको सोल्व करो एफ डैगर स्केयर बिल्कुल यही है माइनस एफ एफ डैगर बिल्कुल प्लस एफ डैगर एफ यस माइनस एफ डैगर स्केयर ये थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत आ रही होगी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा जेट यहाँ से कौन कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है यस देखिए एफ डैगर स्केयर है एफ डैगर स्केयर माइनस के साथ है बिल्कुल एफ स्केयर है एफ स्केयर है ध्यान से देखिए अपने हाथ से करके देखिएगा ये क्या रह रहा है एफ एफ डैगर माइनस एफ डैगर एफ माइनस एफ एफ डैगर यानी ट्वाइस ऑफ एफ एफ डैगर बन गया माइनस ट्वाइस ऑफ एफ डैगर एफ दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा जेड यही चीज़ है माइनस मैंने बाहर रख लिया है एफ एफ डैगर माइनस एफ डैगर एफ प्लस एफ एफ डैगर माइनस एफ डैगर एफ दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा जेड दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन गिवन क्या था एफ एफ डैगर की एंटी कम्यूटेशन रिलेशन क्या थी वन थी एंटी कम्यूटेशन का मतलब होता है ए बी का आप लोगे तो ए बी प्लस बी ए कम्यूटेशन होता है ए बी माइनस बी ए ये ये भी है ये बी है एफ इन टू एफ डैगर प्लस एफ f एफ इज इक्वल टू वन यहाँ से आ रहा है f आ गया। यहां f f. अब आप देख पा रहे होंगे सारे किस में छोड़े हैं एफ डैगर एफ में यानी मैं एफ एफ डैगर को एफ डैगर एफ की फॉर्म में सब्सिट्यूट करती हूँ ये आ रहा है यहाँ से वन माइनस एफ डैगर एफ माइनस साइन एफ एफ डैगर की जगह रखी वन माइनस एफ डेगर एफ माइनस एफ डेगर एफ प्लस एफ एफ डैगर को फिर से रखिए वन माइनस एफ डैगर एफ माइनस एफ डैगर एफ दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा जेड आपको सिग्मा जेड की वैल्यू बतानी है माइनस साइन ऑलरेडी है वन प्लस वन टू यानी माइनस टू बन गया ये क्या बन गया माइनस 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 यानी माइनस फोर एफ डैगर एफ दैट इज इक्वल टू प्लस फोर एफ डैगर एफ क्योंकि माइनस वन ऑलरेडी बाहर था दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिगमा जेड और यू कैन से सिगमा जेड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ डैगर एफ माइनस वन ओके सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर बिल्कुल ठीक है इसको सोल्व करने में थोड़ा सा मुझे भी टाइम लगा तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा लेंदी था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सेम फिजिकल स्टेट ऑफ ए स्पिन हाफ पार्टिकल एज वन बाई रूट टू वन आइटा वन बाय रूट टू वन 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 बाई रूट टू वन माइनस वन वन बाई रूट टू वन जीरो वन बाय रूट टू वाई माइनस वन अगर आप इसको आइटा से मल्टीप्लाई करें तो यही टर्म आ रही है ऐसे आप करोगे ना तो ये इसी का कुछ स्टेट है और यू कैन से माइनस वन यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस अंडर गोज एन आइसो बारिक प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम टेम्परेचर टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस टू एट नाइनटीन डिग्री सेल्सियस यानी आपके पास क्या हो रहा है वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन प्रोसेस क्या है आइसो प्रोसेस है टेम्परेचर चेंज कर रहा है 273 सेवेंटी से एट डिग्री सेल्सियस आपको क्या बताना है रेशियो ऑफ न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस टू तो दी ओल्ड वॉल्यूम ऑफ गैस नए वॉल्यूम से ओल्ड वॉल्यूम की रेशियो बतानी है टू वन बाई टू थ्री वन बाई थ्री देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर आपका वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के अगर कोई बार का एग्जाम देगा तो ये ऐसे क्वेश्चन आइसोकोरिक के कह लो के कह लो आइसो के हमेशा आएंगे पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है आपकी आवाज़ वी क्या हो गया आर टी बाई पी यानी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वी वन प्रोपोर्शनल टू टी वन वी टू प्रोपोर्शनल टू टी टू आपको वी टू बाई वी वन की रेशियो बतानी है टी टू बाई टी वन पता है टी टू को मैंने कैलविन में चेंज किया टू सेवेंटी थ्री प्लस एट नाइनटीन दैट इज इक्वल टू वन जीरो नाइन टू कैलविन क्या है 546 फोर्टी कैलविन दोनों को सब्सटीट्यूट किया 1092 जीरो नाइन टू बाई फाइव फोर्टी सिक्स दैट इज इक्वल टू टू यस फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर यानी जस्ट याद रखिए आइसोबारिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हालांकि ये मुझे मेमोरी बेस्ड मिला था लेकिन अब मुझे क्लियर क्वेश्चन मिल गया है रिस्पॉन्स सीट आई है तो वहाँ से ये मिला है क्वेश्चन तो क्या है इन ए सर्टेन प्रोसेस 500 हंड्रेड जूल ऑफ इट इज़ ट्रांसफर टू सिस्टम एंड द सिस्टम साइमल्टेनियसली लीटस टू हंड्रेड जूल ऑफ वर्क फाइव हंड्रेड जोल आपने सिस्टम को ट्रांसफर कर दी और वर्क डन कितना हुआ टू हंड्रेड जूल वट यू हैव टू टेल फ्रॉम मेयर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम सेवन हंड्रेड जूल थ्री हंड्रेड जोल माइनस थ्री हंड्रेड जूल माइनस सेवन हंड्रेड जो देखिए फर्स्ट लॉफ थर्मोडाइनमिक्स लगाइए डी के जो हीट सप्लाई करे हो सिस्टम को दैट इज इंक्रीजेज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस सम वर्क डन 500 हीट पता है डी यू आपको बताना है डी डब्ल्यू टू हंड्रेड था तो यहाँ से डी यू की वैल्यू क्या आ रही है 300 हंड्रेड जो यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 300 हंड्रेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए बड़ा सीधा आया हुआ था वैसे तो लेकिन याद होना चाहिए विच ऑफ दर्मोडाइनमिक रिलेशन एक्सप्रेसिंग टी डी एस इक्वेशन टी डी एस इज इक्वल टू सी पी डी टी माइनस टी इंटू करली पी बाई कर टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी वी टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस टी इंटू करली पी बाई कर टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी बी टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी माइनस टी इंटू कर लीपी बाई टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी वी और यहाँ से है नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पी डी टी प्लस टी इंटू कर पी बाई कर ली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी वी देखिए डी एस क्या होता है चेंज इन एंट्रोपी दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम करलियस बाई कर ली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस एस बाई कर वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी ये क्या आ रहा है इसको टी से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड से टी इंटू कर्लियस बाई कर ली टी डी टी डी एस किया मैंने टी इंटू करलियस बाई कर ली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी प्लस टी इंटू कर्लियस बाई कर ली वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी ये क्या होती है टी डी एस दैट इज इक्वल टू दैट ये आपकी होती है सी वी यानी सी वी इंटू डी टी बन गया प्लस ये आपने थर्मोडाइनमिकल रिलेशन से निकाला करली पी बाई कर टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टी इंटू करली पी बाई कर टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी वी यहीं आ रही है सेकेंड इक्वेशन इज राइट आंसर ये डायरेक्ट भी याद रखते हैं लेकिन मैंने इसको सोल्व करके भी बता दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन सिस्टम अंडरगोइंग सेकेंड ऑर्डर फेस ट्रांसफॉर्मेशन विस पैरामीटर शोज डिसकन्टिन्यूटी फ्री एनर्जी एंट्रोपी स्पेसिफिक हीट एंथेलोपी देखिए आपके पास एंट्रोपी और वॉल्यूम क्या होते हैं उनमें चेंज नहीं आता है सेकंड ऑर्डर में लेकिन डिसकन्टीन्यूटी किस में आती है स्पेसिफिक हीट में ये क्वेश्चन था जब मेमोरी बेस्ड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया था तो आई होप वैसे तो जिसको पेपर अच्छा गया था उसको एडमिशन हो गया होगा लेकिन आपको कहीं ना कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में हो गया होगा और लेकिन जो ये पेपर आया हुआ है एक बार इसका स्कोल करके जरूर देखें जैसे आपका एमएससी के बेसिस पे बार का एग्ज़ाम आता है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है ओके थैंक यू